इस बार आईपीएल के पहले ही मैच में होगा बड़ा धमाका, क्योंकि आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच इस साल का पहला मैच होने वाला है। जी हां दोस्तों, आईपीएल का शेड्यूल जारी हो चुका है और ये अपडेट सामने आया है कि इस साल 22 मार्च को पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच होने वाला है। ये मुकाबला चेन्नई के मैदान पर होगा, तो चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी को आसानी से जीतने नहीं देगी। तो वहीं आरसीबी की टीम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी खेलेंगे। इंडिया में इलेक्शंस की वजह से अभी तक शुरुआती 21 मैचों का ही शेड्यूल जारी हुआ है, यानी 22 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक। बाकी बचे मुकाबलों का शेड्यूल इस साल होने वाले लोकसभा इलेक्शंस की डेट्स के बाद ही जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चेन्नई और आरसीबी में से कौन सी टीम पहले ही मैच से जीत की शुरुआत करेगी, धोनी की सीएसके या फिर फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी वाली टीम आरसीबी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताना।